नमस्कार प्रणाम। आज हम दिखा रहे हैं नोजल होंडा ब्रायो में किस दिशा में और कैसे लगनी चाहिए, क्योंकि नोजल ही एक ऐसा टेक्निक है जो गाड़ी को स्मूथ और नॉन स्मूथ चलाता है। मतलब गाड़ी जितनी ये नोजल करीब होगा उतना ही गाड़ी स्मूथ चलेगी और अच्छी चलेगी और सही दिशा में होगा। यानी कि नोजल का जो पोजीशन है सीधे वाल की तरफ होना चाहिए, जो गैस निकलने बिल्कुल ईजी रहे। तो ये नोजल हम बार बार इसलिए कहते हैं ना कि नोजल ही एक सही फंडा है जिस फंडे के माध्यम से गाड़ी बिल्कुल बेहद अच्छी चलती है। तो ये गाड़ी है होंडा ब्रायो, फिर मैं बता रहा हूँ। और बहुत से मित्रों का जो है फ़ोन आता है पूरा जो है किट का वीडियो बनाने के लिए या पूरा किट समझाने के लिए, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई क्या होता है, समय का थोड़ा सा अभाव होता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ बहुत जल्दी एक एक आइटम का मैं एक गाड़ी का वीडियो बना करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। और जिस चीज़ से मैं होल कर रहा हूँ, ये होल जो है उससे कर रहा हूँ, हीटर प्लग है। हीटर प्लग आपका एम्बेस्टर जो होती है डीजल वाली, उसका भी हीटर प्लग काम कर जाएगा और टाटा का जो हीटर प्लग होता है वो भी काम कर जाएगा। ये दोनों हीटर प्लग से बिल्कुल बेहद आसानी से सुराख होता है और इतना अच्छा सुराख होता है कि आप गर्म ही अगर टाइट करोगे उसको ना, तो चूड़ी बन जाएगा उसमें ऑटोमेटिक, और ये चूड़ी बनने के बाद खुद ब खुद वो टाइट कर लेगा। और टाइट इतना अच्छा कर लेता है कि आप डायरेक्ट टाइट करके ऐसे चाहोगे हिलाने के लिए तो हिलेगा नहीं। आप देख रहे हो ये हीट हुआ और हीट होकर के अभी हीट होने के बाद मैं तुरंत इस पर गर्म में ही मैं टाइट कर दूंगा, ऐसे क्या होता है कि चूड़ी अच्छा बन जाता है जैसा कि हम बता रहे थे। तो मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करें करने के लिए। एक दो बार, तीन बार, चार बार जब प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसमें फिनिशिंग आ जाएगी और अच्छा हो जाएगा, मतलब ऐसा विश्वास है। आप देखो मैं हिला के दिखा रहा हूँ, नहीं हिलेगा। मतलब बॉन्ड तो लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन बॉन्ड ना भी लगाया जाए अगर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बॉन्ड लगा देने से थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। आइए हमारे मित्र हैं, उनसे कुछ बात कराते हैं। न्यू विजय ऑटो गैस मुंशी पुलिया पे, ये खुल गया इंजन लगाने को, ये फुल करने की। अधिकांश लोग जब किट लगाते हैं तो क्या करते हैं, मेरे फुल को खुलते नहीं। कोई भी गाड़ी का होंडा आप खोलेंगे जी, होंडा कंपनी गाड़ी कोई भी अगर आप खोलेंगे तो जब भी इंजेक्टर का होल आपको मिलेगा, कोई भी गाड़ी खोलिए, कहीं की भी गाड़ी, किसी के पास अगर मेरा वीडियो कोई देखे तो वो इस चीज को गौर करेगा। होंडा की गाड़ी होनी चाहिए, जब भी नोजल को होल मिलेगा आपको इस पॉइंट मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच मिलेगा इतने दूर जी। लेकिन चूंकि ये बेंड दूर पड़ रहा है, तो बेंड दूर होने की वजह से क्या है कि इसको प्रॉपर गैस यहाँ पे नहीं मिल पाता है जी। जितना करीब आपका इंजेक्टर रहता है उतना ही अच्छा गैस फोर्स मिलता है, और जितना अच्छा फोर्स गैस मिलता है उतनी अच्छी गाड़ी चलती है, खास करके पिकअप और आपका चलना। इसका उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे क्या है कि आपके देखिए इंजेक्टर ये लगाया हुआ है, देख रहे हैं कहाँ पे है, एकदम जस्ट वाल के बीच में है जी। तो जितना नजदीक जैसे ये दिया हुआ है, अगर भाई अगर कंपनी चाहती तो इस इंजेक्टर को उठा के मेरे फोल्ड में दे देती, ये भी तो संभव था, लेकिन कंपनी नहीं डाला। इसका कारण ये कंपनी जानती है कि जहाँ अच्छा रहेगा नजदीक, जितना नजदीक होगा उतना अच्छा गाड़ी चलेगी, इसलिए उसने बिल्कुल नजदीक दिया वाल के पास, वाल के करीब होना चाहिए। इसीलिए जब इसको हम खोल करके करते हैं तो थोड़ा समय तो लगता है अधिक जी जी, लेकिन क्या है आउटपुट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, मजा आता है। बिल्कुल सही बात, देखिए बहुत से लोग समय बचाने के लिए ऊपर से ही ड्रिल बिट मारते हैं, लेकिन देखिए खोलने में हम लोग को डेढ़ दो घंटा लग गया। अच्छा काम जो करेंगे भैया वो पूरा खोल के ही करेंगे, क्योंकि जितना करीब रहेगा उतना ज्यादा फायदेमंद और उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, परफॉर्मेंस गाड़ी की फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये नोजल टाइट करके हम इसको फिटिंग करना शुरू कर दिए हैं, मतलब ऐसे करने से थोड़ा सा क्या है कि आउटपुट अच्छा आता है, बस और कोई बात नहीं है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आप बने रहिए न्यूज़ ऑटो गैस में। धन्यवाद।